पापा के चिराग ने करिश्मा दिखाया था, उसके अंदर से चिन्नी और चिन्न आया था। तो प्यारे प्यारे बच्चों को मिल गया चिराग, सोच में पड़ गए उनकी किस्मत गई जाग। बच्चों से वो प्यार करते, रोते को हंसाते, जो डर को भी डराते, वायरस दोस्त वो कहलाते, वायरस दोस्त कहलाते हैं। कीर्ति ये देख, चॉकलेट। मैम मुझे गाना नहीं सीखना है, और मुझे पता है कि मेरी आवाज गाने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सब आप मेरी मम्मी से क्यों नहीं कहते हो? तुम लोग कहो तो ऐसे चुटकी बजाते तुमको मंगल ग्रह ले जा लेंगे, पर ये होमवर्क हमसे ना हो पा सकेगा। हम बता रहे हैं, हमसे ना हो पा सकेगा। पैसे कितने दिया? ये लोग तो इनसे भीख मंगवाते हैं, कुछ कीजिए जी अंकल। तुम मुझे मारता है, तुम मुझे मारता है। चलो, आपने कॉल किया था? हमने क्या? वेरी गुड बच्चों, शाबाश। बच्चों ये बताओ, ये मुस्टंडों को आपने बांधा कैसे? वो अंकल, ये दो क्या चीज है, हम तो ऐसे और दस को पकड़ सकते हैं। क्या जुड़ो कराटे जानते हो आप लोग? बस ऐसा ही समझ लीजिए कुछ। वेरी गुड वेरी गुड। हवालदार, लेके जाओ बदमाशों को। तो मैं देख लूंगा। अभी तो देख नहीं पाए, बाद में क्या देखोगे। बाय बच्चों, आप लोग अब आ जा दो, अपने अपने घर जा सकते हो। हवालदार, बच्चों को अपने अपने घर छोड़ दो। बच्चों आप लोग बहुत ही बहादुर हो, मैं प्रेस वालों को बुलाकर आपकी बहादुरी की खबर अखबार में दूंगा। थैंक्स अंकल। वेलकम। आपने ना बड़ा अच्छा काम किया, उन गुंडों को पकड़वा दो। बेटा उन लोगों ने काम ही ऐसा किया था, अगर इन लोगों को नहीं मारेंगे तो फिर किसको मारेंगे, किसको पकड़वाएंगे, है कि नहीं? अब चलो हम लोग घर चलते हैं। चल। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग पापा। सो किड्स, कल आप दोनों कहाँ गए थे? ये न्यूज़पेपर में आप दोनों का नाम आया, क्या ये सब? क्या ये सब? हाँ? और ये बच्चों से भीख मंगवाने वाली गैंग के मुखिया को तुम लोगों ने अरेस्ट करवाया? मतलब तुम लोगों को मालूम होना चाहिए ये लोग बहुत खतरनाक लोग होते हैं, और तुम दोनों ने हमें कुछ बताया भी नहीं। अगर तुम दोनों को कुछ हो जाता तो हमें मालूम भी नहीं। बेटा तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। मम्मा प्लीज, हम आपको कैसे बताते, आप इतनी लेट जो आए थे, और वैसे भी हम अकेले थोड़ी ना गए थे। क्या हुआ संजू? कुछ नहीं। संजू और कीर्ति, मैं काफी दिनों से नोटिस कर रहा हूँ तुम लोगों के बिहेवियर में अजीब सा चेंज है, तुम लोग काफी अलग बिहेव कर रहे हो, क्या बात है? तुम दोनों कहीं हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? स्कूल में सब ठीक है ना? लेकिन तुम दोनों वहां गए क्यों थे कल, बोलो, कुछ हो जाता तो? पापा मगर हमने कुछ बुरा काम किया? नहीं बेटा, बुरा काम नहीं किया,
पर बेटा ऐसे कामों में बहुत जोखिम होता है, ऐसे गुंडे बदमाश लोग काफी खतरनाक होते हैं, नहीं जाना चाहिए था। तो मतलब हम उन गुंडे लोग को रोके भी ना और उनके मन में जो है वो करें? अरे तुम इतने सयाने कब से हो गए? कल्पना लगता है अपने बच्चे बहुत बड़े हो गए। संजू बड़ों से बहस नहीं करते बेटा। मम्मा पर मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस पूछ रहा हूँ कि अगर आप बड़े उन गुंडों को करना रोके तो हम बच्चों को तो कुछ करना चाहिए ना। मैरी मैरी इन दोनों के रूम से टीवी हटवाओ। नो टीवी फ्रॉम टुडे। ये सब जासूसी फिल्में देख देख के जेम्स बॉन्ड बनने की कोशिश कर रहे हैं। और आज के बाद मुझे कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। अंडरस्टैंड? बलवंत गाड़ी निकालो। अरे सुना तुम दोनों ने, आज के बाद सीधा स्कूल और स्कूल के बाद सीधा घर। बहादुरी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मैरी आई एम गेटिंग लेट, टेक केयर ऑफ द किड। मेरी आंटी, पापा ने कहा कि कोई शिकायत नहीं आना चाहिए, अब तो अच्छे काम करने पर भी डांट मिलती है। हाँ, और अखबार में हमारी तारीफ हुई है, फिर भी हमें कहा जा रहा है कि अच्छे काम ना करो। कोई बात नहीं बेटा, मम्मी पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं ना, तो वो डरते हैं कि आपको नुकसान ना पहुंचे, बस इसीलिए। पर पढ़ाई के अलावा हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। ये कौन डाल रहा है आपके दिमाग में ऐसी बातें, ये बच्चों वाली बातें नहीं है। आंटी ये सब बातें कोई नहीं सोचता, और खास करके जिनको सोचना चाहिए ना वो तो बिल्कुल नहीं सोचते हैं। तुम्हारे दिल की बात समझती हूँ बेटा, सोसाइटी और समाज के बारे में सबको सोचना चाहिए। ओके माय चाइल्ड, हम इसके बारे में फिर से बात करेंगे, अभी आपको स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। चलो कम, चलो आप भी कम। संजू चलना खेले चले। नहीं यार मेरी तबीयत खराब है। अरे यार तेरे बिना मजा नहीं आता। नहीं यार कल खेलूंगा, आज मन नहीं है। भाव खा रहा है, इसको पता है इसके बिना जीत नहीं सकते। संजू भैया आप यहाँ पर हो, मैं तो कभी आपके क्लास में ढूंढ रही थी, और आप आज खेल क्यों नहीं रहे हो? बस मन नहीं है। पर क्यों, कहाँ ने मन नहीं है? ऐसे ही जैसे देखो बस पूछता रहता है क्यों क्यों क्यों। क्या बात है मेरे आका, निराश टाइप नजर आ रहे हैं, सब ठीक तो है कि नहीं है? पता है ना मम्मी पापा ने हमको डांटा था। हाँ पता तो है, तो हमें डांट खिलाकर खुश हो ना अब। भाई आप जिन अंकल के क्यों डांट रहे हो? इनसे कहो ये रोना बंद करें, इतने बड़े जिन हो गए तभी भी रोते रहते हैं। वो कहा है ना कि आप नाराज रहे, परेशान रहे, हैरान रहे, हमको बर्दाश्त नहीं होता है। आप हमारे आका है ना, है कि नहीं है, है? अंकल हम नाराज नहीं, हम परेशान हैं। परेशान हैं? और ये हैरान नजर आ रहा है, पर क्यों कहा है हा? क्योंकि जब भी हम अच्छा काम करने जाते तभी हमें डांट पड़ जाती है। अच्छा वैसे इसमें कौन सी नई बात है? तुम इंसानों में जब भी कोई अच्छा काम करता है तो उसके साथ तो बुरा ही होता है। इसीलिए अब ना हम कोई अच्छा काम करेंगे नहीं, बस खा पी के ऐश करेंगे। अच्छा ठीक है फिर, जैसा तुम चाहो। एक काम करेंगे, हम भी तुम्हें तुम्हारे आसपास की कोई सच्चाई नहीं दिखाएंगे, जैसा तुम्हें पसंद है ना वो रंगीन फिल्मी दुनिया जैसा, सब तुम्हें वैसा ही दिखाएंगे। हाँ तुम्हारे आसपास कितना दुख दर्द परेशानी है उसके बारे में हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे, वैसे भी तुम तो बड़े लोग हो, पैसे वाले लोग हैं। बिल्कुल,
तो जैसा तुम्हें चाहिए ना वो खाओ पियो ऐश करो वैसा ही करो। नहीं नहीं चिन्नी आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस भैया थोड़े अपसेट है और मुझे देखो मैं तो एकदम ठीक हूँ। तुम तो हमेशा एकदम ठीक रहोगी, तुम्हारे भैया अपसेट है पर हमको पता है, लेकिन ये अच्छा काम जरूर करेगा। अच्छा काम करेगा ना? करेगा ना? करेगा ना? हाँ मामा करेंगे। अच्छा फिर चाहे डांट भी पड़े। हाँ तभी उधर इंगा 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 राम प्रसाद जी, आजकल आप अपना रेडियो नहीं सुनते, वो विधि भारती वाला कहा बताए। अच्छा खासा उस दिन रेडियो सुन रहे हैं और उस दिन के बाद ना हमारा हिम्मत ही नहीं होता रेडियो सुनने का, तो रेडियो में गाना चलते चलते रेडियो नाचने लगा और नाचने नहीं लगा झूम झूम के नाच रहा है। रेडियो आगे हम रेडियो के पीछे, रेडियो आगे हम रेडियो के पीछे। लेकिन हम ये बात किसी को नहीं बताए, किसी को नहीं बताए, क्योंकि हमारा मालूम था किसी को बताएंगे लोग हमको ही पागल बोलेगा। पागल नहीं भांग पिए हो, होली से पहले ही भांग पीने लगे। अभी तो होली में बहुत दिन बाकी है और अभी से भांग पीना शुरू कर दिया। मतलब क्या बात करते हो बलवंत भैया आप, मतलब भांग पीने की बात तो दूर है, भांग के खेत के आसपास भी नहीं गए हैं। हमको मालूम था हमारी बात को ना आप ही नहीं मानेंगे और पागल ही बोलेंगे। भैया वो देखिए, वो देखिए आपका मोबाइल हवा में नाच रहा है। अरे कहाँ नाच रहा है? अरे अभी नाच रहा था, हम देखे हम अभी अभी तो नाच रहा था सच्ची। अरे देखिए 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 नाच रहा है, देखिए देखिए बोले था ना अभी बोले था ना, हमारा रेडियो भी वैसे ही नाच रहा था। हाँ भैया बचाइए हमको डर लग रहा है। बाबा जी प्लीज नीचे आ जाइए, बोल रहे थे ना मत बात देखिए मान रहे हैं भैया, पकड़ लीजिए भैया। अब बोलिए हमने भांग पी रखी थी आज आपने भी रखी है? अब सबको हम बताएंगे। चुप करो, सबको बताएंगे, मानेगा कौन? भैया एक तो बात बताएं आपको सच्ची, हमको लगता है ना यहाँ पर कोई भूत का साया है। मतलब उस दिन हमारा रेडियो नाच रहा था, आज आपका फोन नाच रहा है, मतलब कुछ तो है ना भैया। हम भूत भूत विश्वास नहीं करते, पर जब फोन को नाचते हमारी आंखों ने देख। एक मिनट क्या हुआ? उड़ो मोबाइल जी उड़ो, अरे उड़ो। देखा ये हमारे मन का वहम है भैया। लेकिन मन का वहम है तो दोनों का? अरे जादूगर को नहीं देख रहे होगा, एक चीज गायब करता है सबके सामने, करता है कि नहीं? हाँ करता तो है, लेकिन जादू करने वाला मदारी कहाँ है? वो ऊपर वाला भगवान, वो सबसे बड़ा जादूगर है और वो किसी को दिखाई नहीं देता और वो सिर्फ हमारी परीक्षा ले रहा है। अब ये बात किसी को बताना नहीं, कोई मानेगा नहीं, समझा? हाँ भैया, और वैसे भी हम तो पढ़े लिखे भी नहीं है और आप तो फिर भी क्लास 10 तक पढ़े हैं। DPGF वो क्या होता है? 10 पास 11 फेल। अभी तो आप समझे। हाँ बेटा, आप लोग गेट के अंदर जाओ, मैं उसके बाद ही वापस जाऊंगा। अब ये क्या पापा का नया ऑर्डर है यार? साहब का हुक्म है, मानना तो पड़ेगा। अंकल आप ये अपने बच्चों के साथ ऐसा करते होगे? नहीं बेटा, मुझे टाइम ही कहाँ मिलता है, सुबह पहले मैं यहाँ आ जाता हूँ और जाते जाते देर हो जाती है, तब तक वो लोग सो जाते हैं। पर आप दोनों ये बातें क्यों पूछ रहे हो? अंकल हम तो बस ये जानना चाहते थे कि आपके बच्चे बिगड़ गए हैं। नहीं बेटा कैसे बिगड़ेंगे, उन्हें मालूम है ना उनका बाप जितना कमाता है उतने में सिर्फ घर खर्च चल पाता है। अंकल हम दोनों में तो ऐसी कोई आदत नहीं है, फिर हम पे ही फेरा क्यों रखा जाता है? नहीं बेटा, हर माँ बाप अपने बच्चे की चिंता करते हैं और तुम लोगों ने जो उन दुश्मनों से पंगा ले रखा है ना, बस साहब और मेम साहब को सिर्फ इतनी ही चिंता रहती है कि उनके साथी तुमसे कोई बदला ना ले, और कोई बात नहीं है। चलो अब तुम लोग अंदर जाओ, मैं तुम्हें छुट्टी पे यहीं मिलूंगा और किसी के साथ जाना नहीं, समझे? चलो जाओ, बाय बाय।
करवा दिया ना हमें कैद, अब आया मजा। अब हंस क्यों रहे हो? आज से हमारा इधर उधर जाना बंद, बस बलवंत अंकल सीता हमें कुल से लेने आएंगे, छोड़ने आएंगे बस। फिर कैसे लोग आप लोग यार, पहले तो जब हम मुस्लिम होते थे तो कहते थे क्या हुक्म है मेरे आका, क्या हुक्म है मेरे आका, अब खुद हमें मुश्किल में डालकर हंस रहे हो। यार मैं हाथ जोड़ता हूँ, अब आप हम दोनों को छोड़ दो और किसी और को ढूंढ लो, ठीक है? देखो भाई, एक बात हम बहुत अच्छे से बता देते, हम लोग यहाँ से तब तक नहीं जा सकते जब तक कि हम लोगों का काम पूरा नहीं हो जाता। हम तो कुछ नहीं कर सकते अभी, हम पर तो 24 घंटे का पहरा लग ही चुका है। तो फिर क्या फायदा ही अलादीन के चिराग का? हर चीज का कोई फायदा नहीं होता है, कुछ चीजें एक अच्छे नागरिक का फर्ज भी होती हैं, समझे? ओह बस करो यार, जब हम घर में जाते हैं तो मम्मी पापा का लेक्चर, स्कूल में आते हैं तो टीचर का लेक्चर, और क्या मतलब हमारी जिंदगी में लेक्चर कम पड़ गए थे क्या, जब आप लोग भी आकर लेक्चर दे रहे हो? जी नहीं, हम लोग लेक्चर देने के लिए नहीं आए हैं, हम ये बताने के लिए आए हैं कि अब आप लोगों को कुछ करके दिखाने की जरूरत है, और कुछ करने का मजा तब है जब सामने चैलेंज हो। और वैसे भी तुम दोनों तो पहरे में, अब तुम लोगों को पहरे में रह के ही काम करना है, मजा तो अब आए। कीर्ति आप संजू की क्लास में? वो मैं भैया के क्लास में रोज खाना खाने आती हूँ। सो स्वीट। संजू मैंने आप लोग के बारे में कुछ सुना है कि आप लोग कुछ हवा में बातें करते हैं। अबे उनसे बोलो कि तुम दिन में पढ़ाई करते हो, लेसन याद करते रहते हो, इसलिए हवा में बात करते हो, टेंशन की कोई बात नहीं, बोल दो। वो तो कुछ भूल तो चुका ना। संजू आप किससे बात कर रहे हो? किसी से नहीं, कोई तो नहीं है, कोई नहीं है। अरे जैसा हम कह रहे हैं वैसा बोलो, नहीं तो फंस जाओगे पगला। वो मैम हम ना चैप्टर्स रिवाइज करते रहते हैं, अब टेस्ट नियर आ रहे हैं ना, तो बस उसी सिलसिले में। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटा इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, यू आर ब्राइट स्टूडेंट, टेक इट इजी। बाय मैम। आपने मुझसे झूठ क्यों बुलवाया? अरे पगला झूठ नहीं बोलता तो फंस जाता मेरे भाई, समझाओ इसे। तो भी आपने झूठ बुलवाया क्यों? अरे बेटा वो छोट से छोट से किसी का भला हो, वो छोट छोट नहीं होता, सच होता। हाँ हाँ हाँ। पर अच्छा अभी मैं क्लास में जाऊँ? बिल्कुल जाओ, रोका किसने, फटाफट अपनी क्लास में जाओ, चल 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 चल। बस याद रखना कि 2 बजे मेन गेट पे मिलना। हाँ लेकिन 2 बजे तो बलवंत अंकल आ रहे हैं ना? ना बेटा ना, 2 बजे बलवंत अंकल नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? आपने उनके साथ कुछ गलत किया है क्या? वो बहुत अच्छे है, हमारे पैदा होने से पहले से ही वो हमारा ध्यान रखते थे, कुछ उनके साथ गलत मत करना। अरे नहीं बेटा नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया है, जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ हम अच्छा करते हैं, गंदे लोगों के साथ गंदा करते हैं, समझ में आई बात? अभी पता हम लोग को ना वो प्रोजेक्ट जो है वो हमें प्रोजेक्ट करना है। हाँ देखो भी मिला है ना? हाँ वही तो, बलवंत अंकल, बलवंत अंकल बस आते होंगे। क्यों आए यहाँ पे? क्योंकि बलवंत अंकल नहीं आएंगे। Yes. पर क्यों नहीं आएंगे वो? वो इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि हमने तुम्हारे घर की सारी घड़ियाँ 1.5 घंटा लेट कर दी, चाहे वो हाथ घड़ी हो या दीवार घड़ी। अगर पापा को पता चल गया तो वो हमें बहुत डांटेंगे। अरे पता कैसे चल जाएगा, तुमको सुनाई नहीं दिया लगता है, वो 1.5 घंटा सब जगह लेट पहुँचेंगे। क्या करते यार आप लोग, पता है ऐसा क्या हो सकता है इससे? क्या हो सकता है? आपको कुछ मालूम नहीं है क्या यार, हर जगह टांग अड़ाते रहते हो, अब पापा की सारी मीटिंग्स लेट हो जाएंगी और मम्मी का सारा काम बिगड़ जाएगा। कुछ भी नहीं पता यार आपको, आज के जमाने में टाइम का महत्व बहुत ही ज्यादा है। कुछ करो, हर जगह रोते रहते हैं। जिन थोड़ा सा इमोशनल है ना, अब जो हो गया वो हो गया, जाने दो, इसे जो सही लगा इसने वही किया। वैसे जिस काम के लिए ये सब किया है चल के वो कर ले। पर करना क्या है?
उसके लिए पहले तुम अपनी आंखें बंद करो। चलो यार अब क्या बोलूं। अरे दूर और प्यास वाला सिस्टम तुम्हारे लिए हमारे लिए थोड़ी ना, हम तो चुटकी बजा करके मंगल ग्रह पे भी पहुंच सकते हैं, समझे कि नहीं? यहाँ बहुत जरूरी काम से आए हैं तुमको, समझे? अभी बताते हैं। वो आदमी देख रहे हो जो कुर्ता पजामा पहन के खड़ा हुआ, उसको बुलाओ, अर्ज कहो तू कपटी अंजूठो खारी, मांगो फटाक से। पर हम तो चाय पीते ही नहीं है। तो पीने के लिए बोले हम? नहीं नहीं, हम बोले पीने के लिए, पहले ही सोच लिए तुम। ऐसा है, मंगवाओ, मंगवाने के लिए बोले, उसके बाद देखो हम का जादू और चमत्कार करते हैं। ठीक है बाबू? ठीक है, रुको अंकल। अरे हाँ, ये। हाँ बच्चों, क्या चाहिए? दो खारी और दो कप चाय। अकेले हो क्या? पैसे हैं? पैसे तो है, है, है। ये देखिए, ये छोटू दो खारी और दो चाय लगा। छोटू, वहाँ 6 नंबर पे झूठे बर्तन तेरा बाप साफ करेगा, चल जल्दी चल। कैसी बात कर रहा है ये? मन तो करता है इसको एक घूसा मार के सीधा करूं। अगर इसको सजा देनी ही थी तो आप लोग आ जाते, हमें क्यों यहाँ लेकर आए? हमें क्यों लाए? अरे इस शहर में तो तुम लोग रहते हो ना, तुमने देखा है ना अपने आसपास के छोटे छोटे बच्चों को ये सब काम करते हुए? कभी सोचा है उन्हें देख के कि वो लोग तुम्हारी तरह स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, ऐसे काम क्यों करते हैं, खेलते क्यों नहीं है? देखो, तुम्हें यहाँ इतना करना है कि जब वो बच्चा तुम्हारा ऑर्डर लेकर आएगा ना, तो कुछ ऐसा करना कि वो सारा खाना नीचे गिर जाए, और उसके बाद जो होगा वो तुम अपनी आंखों से देखना। थैंक यू। क्या किया तूने? कल की मार भूल गया? मैरी टेरेसा के एक्सीडेंट को काफी टाइम हो गया, और इस तरह के केसेस में टाइम के साथ कई चेंजेस आते हैं। टेरेसा के कुछ नए टेस्ट करवाने होंगे। अगर ड्रॉप हुआ तो पॉइंट नहीं क्या?